हेलो गाइस, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन एक स्टार्ट किया था, जो उसको मैं वापस कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि हाफ ऑफ द क्वेश्चन आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, इसमें मैंने एक टर्म भी यूज़ किया था जिसको मैंने एक्सप्लेन करते मेरा थोड़ा चेंजेस है, मैंने वापस देखा जब उसको पता चला मुझे। जस्ट अ मिनट, आई विल लेट मी स्क्रॉल द स्क्रीन सो दैट आई कैन कम टू द पॉइंट। इसमें आपने देख लिया था कि कैसे एज ए वॉइस, फीमेल की वॉइस यानी आवाज़ बन के, एक औरत की आवाज़ बन के उन्होंने लिखा है अपना पूरा, तो रोज़ामेंड का जो स्टाइल है, जो लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ हाईलाइट किया गया है यहाँ पर इसमें। ठीक है, तो पैरेलल में जो राइटर्स हैं उनका वो भी उन्होंने नाम दिया हुआ है, तो एक दो राइटर्स ज़रूर याद रखें क्योंकि हमें हाईलाइट करना होता है कि पैरेलल में राइटर्स कौन थे। तो यहाँ पर ये देखिए, द फीमेल एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड हर नॉवल्स विद ए वेरी ऑब्वियस सेंस ऑफ रियलिटी। तो मतलब जाहिर सी बात है, जो सच्चाई होती है ना ज़िंदगी की, वो अच्छे से उसने झलक दिखाई देती है उसमें। ठीक है, इस तरह से बताया गया है। ऑल दो रिटन 40 years ago, तो आज हमारे लिए अब ये हो गया 55 years ago, है ना। ऑल दो रिटन इन 55 years ago, ड्रैबल्स थीम्स एंड सोल्यूशंस टू हर प्रोटोगोनिस्ट प्रॉब्लम्स वेरी मच बिलोंग टू मॉडर्न सोसाइटी। तो जो प्रॉब्लम और सोल्यूशंस दिया था उसने इतने साल पहले अपने नावल में, वो आज भी परसिस्ट कर रही है सोसाइटी में। वुमेन टुडे स्टिल जगल द सेल्फ सेम क्वेश्चंस पोस्ड बाय ड्रैबल्स प्रोटोगोनिस्ट, हाउ टू कंबाइन मदरहुड एंड कैरियर। तो कह रहे हैं कि जो 55 साल पहले जो नावल में इसने प्रोटोगोनिस्ट जो है हमारे रोज़ामेंड, वो कैसे अपने आप को क्वेश्चन पुट कर रही है कि क्या करूं, कैसे करूं मदरहुड और कैरियर को साथ में लेके कैसे करूं। तो उसका आंसर भी उसने दिया है साथ में नॉवल में, कि कैसे वो अपने आप को स्ट्रांग बनाती है और वो आगे लाइफ को चलाती है। टू कीप योर इंडिपेंडेंस इन द इंटरेक्शन विद ए सिग्निफिकेंट अदर। तो देखिए, हाउ टू कंबाइन मदरहुड एंड कैरियर, हाउ टू कीप योर इंडिपेंडेंस इन द इंटरेक्शन विद ए सिग्निफिकेंट अदर। तो अब कैसे अपने आप को मदर और कैरियर को साथ साथ लेके चले, और कैसे अपने इंडिपेंडेंस को इंटरेक्ट करते वक्त दूसरों को दिखा रहे हैं, तो कैसे असरदार करते हुए दिखाई दें या डगमगाए नहीं। मैं अब कहूँ कि एक अनमैरिड औरत और उस टाइम पे ऐसे एक्सप्रेस करे कि मैं विदाउट मैरिज एंड आई एम हैविंग ए बेबी, तो आप ये देखिए कि हर दूसरा शख्स जो होगा ना, बड़ा अजीब सा नज़र से देखना, क्वेश्चन पुट करना बार बार, तो कैसे वो इंटरेक्ट करेगी उनसे। तो ये सब चीज़ों का भी जवाब दिया है। इन सेवरल इंटरव्यूज ड्रैबल एक्सप्लेन्स दैट ईच नॉवल कैन बी सीन एज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ और ए जर्नी वेयर एज शी डिस्क्राइब्स ए डायना कूपर क्लार्क शी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर वी आर गोइंग। तो कह रहे हैं एक इंटरव्यू में ना ड्रैबल ने बताया था कि जो उसके जो नॉवल्स हैं ना, ये तो इस कॉन्सेप्ट में 3 नॉवल के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ इस पेपर में, तो मैंने इसलिए उसमें से कॉपी पेस्ट किया है जो हमारा पेपर का चाहिए हमें, हमारा टॉपिक का, माइलस्टोन का। तो बाकी 2 नॉवल्स के बारे में बताया। तो ये ड्रैबल ने कहा था कि मेरी जो नॉवल्स है ना, वो एक तरह से एक्सप्लोरेशन है, एक तरह से आविष्कार है, एक जर्नी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे डायना कूपर क्लार्क एक और राइटर होगी, शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर वी आर गोइंग। तो उनकी जो लिखी हुई है, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ डायना ने अपने किताब में या अपनी राइटिंग के ज़रिए, कि कैसे हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसी तरह से मैं अपने जर्नी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में मैंने बताया है एक औरत के। इन अदर आर्टिकल कोटेड इन जॉने वी जेक्टन्स मार्गरेट ड्रैबल राइट्स, तो एक और किसी आर्टिकल में जॉन ने, किसी ने हाईलाइट किया होगा कोर्ट में, तो उसके जवाब में ड्रैबल कहती हैं, वी लिव इन एन अनचार्टर्ड वर्ल्ड, देर आर होल न्यू पैटर्न्स टू क्रिएट, वॉट दिस पैटर्न इज हाउएवर इज नॉट ऑलवेज एविडेंट, दिस इज़ फॉर द रीडर टू फाइंड आउट। तो कह रहे हैं कि अनचार्टर्ड वर्ल्ड, यानी कह रहे कि हम ऐसे दुनिया में रहते हैं कि हर किसी को ना अपने पैटर्न, अपने हिसाब से क्रिएट करना होता है अपनी दुनिया का। तो ये तो हम पे है ना डिपेंड, हम अपने आप को देख सकते हैं कि अगर हम डिटरमाइंड है लाइफ में कुछ अचीव करने के, तो हमारे अलग पैटर्न हैं। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं चल रहा है, ठीक है, जो मिल गया सो मिल गया, बहुत है, तो उनका पैटर्न अलग है।
तो कह रही कि हर किसी का, तो कह रही रीडर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से क्या देखना चाहता है, किस पहलू को वो हाईलाइट करके या किस एंगल से नॉवल को पढ़ना चाहता है। दिस एसे विल आर्ग्यू दैट मार्गरेट रॉबल्स हैज़ डेवलप्ड सच ए पैटर्न दैट देर इज़ ए ब्लू प्रिंट फॉर फुलफिलमेंट इन द लाइफ ऑफ द मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमेन टू बी फाउंड इन हर अर्ली वर्क। तो कह रहे मार्गरेट रॉबल ने ऐसा पैटर्न डेवलप किया है या ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया है जिसके वजह से वो पूर्ति कर सकती है मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमेन के हर एक क्वेश्चन को, हर एक काम को, ठीक है, वो किस तरह से ज़िंदगी जिए। तो शुरुआत का जो वर्क है उसका, यानी जो मार्गरेट रॉबल ने जो लिखा है अपने काम में, अपने नॉवल्स में, तो ये सब हाईलाइट होता है। थ्री ऑफ रॉबल्स नॉवल विल बी एग्जामिन मूविंग फ्रॉम द मिलस्टोन। तो यहाँ पर ये बता रहे कि आगे हम उनके नॉवल्स और भी पढ़ेंगे, बट मैं आपको जस्ट नाम तो पता होना चाहिए हमें। तो ये देखिए, द मिलस्टोन 1965 में लिखा था, वाटरफॉल 1967 में, विद द डिस्क्रिप्शंस ऑफ टू यंग हीरोइंस। तो इन दोनों में ही दो यंग हीरोइंस के बारे में बताया गया है, उनके प्रेगनेंसीज एंड लाइफ विथ इन्फेंट चिल्ड्रन, उनकी प्रेगनेंसी के बारे में बात की है और कैसे वो छोटे बच्चे के साथ उनकी कैसे ज़िंदगी गुजरती है। ऑन टू द मोर मेच्योर मेन कैरेक्टर ऑफ द रियल्म्स ऑफ गोल्ड, फिर जो एक और जो उनका नेक्स्ट नॉवल आया था रियल्म्स ऑफ गोल्ड 1975 में। दीज थ्री बुक्स फॉर्म ए क्रोनोलॉजी बोथ इन रिगार्ड टू व्हेन दे वर रिटन एंड मोर इम्पॉर्टेंटली टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वुमेन्स लाइफ दैट दे प्रेजेंट। तो कह रहे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है इन्होंने, जो मार्गरेट ने, कि एक तरह से है ना क्रोनोलॉजिकल एक के बाद एक सही जोड़ते हुए लिखा है कि पहले दो नॉवल जो है वुमेन का प्रेगनेंसी और बच्चे को पालना हो गया, फिर जब रिलेंस ऑफ गोल्ड में जब आप आते हैं तो वहाँ मेच्योरिटी, एक मेच्योर लेडी, एक एज लेडी वगैरह इस तरह से बताया है शायद। तो कह रहे हैं क्रोनोलॉजिकल चला है पूरा तीनों नॉवल, इसलिए इसने लिया है, जो भी पेपर पब्लिश इसने किया है ना ये, इसलिए इन तीन नॉवल्स को उसने सेलेक्ट किया है। दिस विल मेक इट पॉसिबल टू सी हाउ रॉबल परसीव्स द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी एंड डिफरेंट रिलेशनशिप्स इन्फ्लुएंसिंग ए वुमेन्स एक्शन। तो इसे पता चलता है कि हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि कैसे सोसाइटी का क्या डिमांड था और कैसे जो रिलेशनशिप थे एक दूसरे पे कितना असर कर रहा था औरतों के काम के ऊपर, यानी एक्शन, यानी उनके काम, उनके बर्ताव के ऊपर। हर सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड द डायरेक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ हर लाइफ। तो कैसे एक औरत अपने अस्तित्व को, अपनी आइडेंटिटी को सर्च करती है और कैसे अपनी ख्वाहिशों को पूरी करती है अपनी ज़िंदगी में। द पैटर्न विल बी ट्रेस्ड थ्रू थ्री टर्म्स, थ्री थीम्स विच आर मेड विजिबल इन द नॉवल्स इन वेरिंग डिग्रीज। तो कह रहे हैं तीन थीम आपको दिखाई दे सकता है इन नॉवल्स को, तीनों नॉवल्स को मिला के बताया जा रही हैं। दीज आर सिंगल मदरहुड, तो हमारा पहले नॉवल के लिए सूटेबल है थीम सिंगल मदरहुड हो गया, एंड द रोल ऑफ द फैमिली, फैमिली का रोल क्या है उसमें, उसकी फैमिली में ये बता सकते हैं। मिसिंग हस्बैंड्स, हाँ भाई हस्बैंड है ही नहीं फर्स्ट इसमें, एंड सेक्सुअल फुलफिलमेंट एंड कैरियर एंड सोशल इंटरेक्शन। सेक्सुअल फुलफिलमेंट नहीं लिखना है तो छोड़ सकते हो आप, कैरियर एंड सोशल इंटरेक्शन ज़रूर लिखेंगे क्योंकि ये वाकई में है हमारे फर्स्ट नॉवल में। क्यों? क्योंकि वो जब कंसर्न होते बेबी होने के बाद वो थीसिस लिख रही है, प्लस साथ में काम कर रही है, तो करियर भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए और वो कितना अच्छे से काम पे भी ध्यान देती है और अपनी बेबी पे भी। द मेथड इज़ एन एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट वे द सेलेक्टेड नॉवल्स फ्रॉम द बेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। तो ये जो मेथड है वो एनालाइज करता है कि कैसे ये टेक्स्ट जो है सेलेक्टेड नॉवल्स किस तरह से, किस बेसिस पे लिखा गया है, किस तरह से एसे लिखा गया है। द सेकेंडरी सोर्सेज आर यूज इन डायरेक्ट कनेक्शन विद द नॉवल्स। तो सेकेंडरी जो सोर्स है, देखिए जब भी कोई नॉवल, अब जैसे आप पेपर पब्लिकेशन का पार्ट है बच्चे, तो जब भी मैं पेपर पब्लिकेशन के लिए मैं काम करती हूँ या मैं थीसिस लिखती हूँ तो मैं दो तीन अलग अलग, मतलब कितने हो सके, मैं सोर्सेज देखती हूँ, किसने कहा इसके बारे में, इसके बारे में उसने क्या कहा, उसने क्या सोचा, इस तरह से मैं सोर्सेज इकट्ठी करती हूँ। तो ये रिसोर्सेज हैं, तो क्या ये बता रही है कि अलग अलग रिसोर्सेज के साथ उसने किया, पहले टेक्स्ट बुक्स एनालिसिस देखी, फिर उसने सेकेंडरी रिसोर्स देखा कि उसके ऊपर इनडायरेक्टली किसने क्या कहा। आर यूज इन डायरेक्ट कनेक्शन विद द नॉवल्स एंड हैव बीन चूजन फॉर देयर यूजफुलनेस एज बीइंग इन अग्रीमेंट विद और अपोज टू द आर्ग्यूमेंट। तो उसमें ये भी प्रेजेंट किया है, तो आप पेपर जब प्रेजेंट करते हो आपको बताना होता है कि फेवर में किस किसने क्या क्या कहा, किस कौन सा कोट कहा, कौन से पेज पे कहा, कौन से बुक में कहा, सब हमें नोट करना होता है, और फिर उसके खिलाफ किसने कहा, कब कहा,
कौन सा लाइन पे है, कौन सी बुक में है, तो इस तरह से. द ऑथर्स ऑफ द सेकेंडरी रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ क्रिटिक्स, अकेडमिक्स, स्कॉलर्स, रिव्यूअर्स, इंटरव्यूअर्स विथ ऑल डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू बट ऑल इंटरेस्टेड इन ड्रैबल्स वर्क. तो सेकेंड जो सोर्स जो इसने देखा है ना, तो वो कौन है, स्कॉलर्स, यानी हम आप जैसे जो आप पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको स्कॉलर्स कहते हैं. रिव्यूअर्स, पढ़ने के बाद जो रिव्यू दिया है चाहे वो ऑडियंस हो चाहे जो भी हो. फिर इंटरव्यूअर्स, जो इंटरव्यू लेते थे उनका, तो उन सबका मकसद मेन क्या था कि उनको बहुत इंटरेस्ट रहता था कि ड्रैबल क्या लिख रही है. अमंग देम आर फेमिनिस्ट लाइक एलेन शॉल्टर एंड एलेन क्रोनन. तो ये दो राइटर्स हैं फेमिनिस्ट एंड बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते थे ये. बट ऑल्सो मोर न्यूट्रल ऑब्जर्व्स एज सुसाना रॉक्समैन एंड जॉने वी क्रिगटन. और जो बिल्कुल न्यूट्रल रही तो वो ये राइटर्स हैं. ठीक है, तो राइटर्स एक दो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं. थर्ड भी वही बताया गया, तो उन्होंने कैसे कैसे डिस्क्राइब किया इसके बारे में बताया गया. ज़ेमन हैव लुक्ड ऑन द नावल फ्रॉम ए सोशल पर्सपेक्टिव, टेलर कंसंट्रेटिंग ऑन क्लास इशूज़. तो ज़ेमन का जो नाम का जो राइटर है या पोएट है जो भी है, उसने नॉवलिस्ट है जो, उसने किस पे ध्यान दिया इस नावल से, उसमें अंदाज़ा लगा कि सोशल पर्सपेक्टिव क्या है, यानी सोशल लाइफ कैसी थी उस बंदे की जब वो अकेली माँ बनी विदाउट हस्बैंड. फिर टेलर जो नाम का बंदा है राइटर जो है, उसने किस पे ध्यान दिया, क्लासिक इश्यूज़ एंड प्रिविलेजेस. तो उस टाइम के क्या सोच विचार थे लोगों का, क्या वहाँ पर फैसिलिटी थी, कैसे लोग कोऑपरेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे. एंड ज़ेमन प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू द नॉवलिस्ट वर्क एज स्टेटमेंट्स ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम इन विच दे वर रिटन एंड देयर फंक्शन एज गाइड. तो ज़ेमन क्या किया था, सोशल पर्सपेक्टिव देखा था, तो उसने ये भी देखा कि उस ज़माने में, उस वक्त में जो राइटर्स थे उनका क्या सुझाव था, वो कैसे रिएक्ट किए, ये सब कुछ. और गाइड फंक्शन एज गाइड बुक्स फॉर वुमेन. और इस तरह से है ना, ये ज़ेमन ने ये भी कहा कि ये किताबें हैं ना औरतों को एक मार्गदर्शन की तरह काम करेंगे ये. नेक्स्ट हमारा जो थीम होगा इसमें मेन इंपॉर्टेंट, वो है सिंगल मदरहुड इन मिलस्टोन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थीम अगर पूछ लिया या फिर क्रिटिकल अप्रिसिएशन में अगर पूछ रहा है, तो यही हमारा मेन है. दिस चैप्टर विल फोकस ऑन द फर्स्ट नॉवल इन द क्रोनोलॉजी ऑफ थ्री, द मिलस्टोन. द नॉवल वॉज रिटन इन द अर्ली 1960s एंड पब्लिश इन 1965. इट्स मेन फोकस इज ऑन द थीम ऑफ सिंगल मदरहुड. तो मेन फोकस कहाँ, सिंगल मदरहुड पे. ए सोशल फिनोमेनम स्टिल व्यूड एज स्टिग्मेटाइजिंग एट दिस पॉइंट एट दिस टाइम. तो क्या ऐसा फिनोमेना, सोशल फिनोमेना जो पहले कभी था 55 साल पहले और जो आज भी है. ऑफ द अदर टू थीम्स, करियर एंड सोशल इंटरेक्शन इज ऑल्सो ऑफ सिग्निफिकेंट फॉर द आर्ग्यूमेंट. तो दो और मेन थीम क्या बन सकता है इसमें, सोशल इंटरेक्शन और करियर, इसके बारे में बहुत अच्छे से बना कह सकते हैं हम. वेयर एज मिसिंग हस्बैंड एंड सेक्शुअल फुलफिलमेंट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. और जो ना के बराबर चीज़ जो देखी जाती है, हस्बैंड कौन है, क्या है, कहाँ है, क्यों है, कोई मतलब नहीं है, या फिर सेक्शुअल फुलफिलमेंट उसको कोई ज़रूरत नहीं थी. देखा जाए तो देखिए, वो एक राइट नाइट स्टैंड था और जो हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो आगे बढ़ जाती है, उसको कोई वो ध्यान नहीं है कि मैं उसके साथ आगे रिलेशन में रहूं या मुझे ये चीज़ चाहिए, नथिंग. तो सेक्सुअल का तो कोई मतलब, या फिर हस्बैंड को कहीं नहीं इंपॉर्टेंस दिया हुआ है नॉवल्स में. बिकॉज ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इंटीमेट रिलेशनशिप. तो ये क्यों है, क्योंकि जो प्रोटैगोनिस्ट हमारी जो हीरोइन है उसको बहुत कम इंटरेस्ट है इन चीज़ों में. इन नॉवल्स फ्रॉम दिस पीरियड टेलर एक्सप्लेन. तो टेलर इन नॉवल्स को देख के बोलते हैं, द एलिवेशन ऑफ द वेरी यंग गर्ल इन हर टीन्स ऑफ और अर्ली 20s इनटू अ सिंबल ऑफ सोशल चेंज. तो कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी लड़की जो एलिवेशन माने उभरना, ऊंचाइयों को छूना, है ना, ऊंचे पद पे उठना, ठीक है. तो ये सब बताया है कि ये एक लक्षण है एक सोशल चेंज का, यानी दुनिया ने इस चीज़ को, इस नज़रिए को अपनाना शुरू कर दिया है. जैसे आज के ज़माने में ट्रांसजेंडर कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, लेस्बियन हो जाते हैं, गे जो होते हैं, तो खुल के बता रहे हैं, किसी को कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है लोगों को. सो दे हैव चेंज, द सोसाइटीज़ हैव चेंज, ठीक है. योशिको एनोमोटो सीज दीज फिक्शनल गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू जेंडर आइडेंटिटी. तो योशिको नाम की जो राइटर है या क्रिटिक है, उसने कहा कि ये तो है ना, ये नॉवल्स क्या है, एक फॉर्मेशन न्यू जेंडर आइडेंटिटी का फॉर्मेशन बन के आया, कि एक फीमेल अकेले भी मदर बन के अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकती है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है. द हीरोइन ऑफ द मिलस्टोन रोजामंड स्टेसी इज सच ए गर्ल. तो ऐसी है वो हमारी कैरेक्टर. द न्यू फीमेल आइडेंटिटी द डैबल फॉर्म्स ऑफ फॉर रोजामंड इज द
इन द गाइज ऑफ एन एजुकेटेड सिंगल मदर। तो रोजामंड को कैसे पेश किया है हमारी डेविल ने, राइटर ने, कि वो एजुकेटेड है रोजामंड, एक सिंगल मदर है मिडिल क्लास सोसाइटी से, एंड अगेंस्ट सोशल मोज ऑफ द मिड 1960s से में जो चल रहा था उसके खिलाफ थी वो जो प्रथा थी। रोजामंड्स मदरहुड इज नॉट प्लान्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल, शी इज स्टिल ए वर्जिन, ए स्टेट शी हरसेल्फ इज इन इज यूजुअल इन हर सोशल सर्कल ऑफ राइटर्स एंड अदर लिटरेरी पीपल। तो शुरुआत में जब शुरू होती है तो वो एक वर्जिन है, ओके, वो कैसे सोचती